दोस्तों अब एक ऐसा कांड हुआ है जिसे जानकर पाकिस्तान और चीन के भी होश उड़ जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोवाल अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका पहुंचकर अजीत डोवाल की मुलाकात अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार से हुई। ऐसे में अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने उनके बारे में क्या कुछ कहा और क्या है पूरी खबर, अब आपको पूरी डिटेल में इस खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने अजीत डोवाल के बारे में कहा कि अजीत डोवाल जो कि उत्तराखंड के एक गांव से आए हैं, जो सिर्फ देश का खजाना नहीं बल्कि अब दुनिया का खजाना है, जिनका एक समान विजन है कि हम एक साथ मिलकर क्या बदलाव ला सकते हैं। बदलाव लाने में यूएस के एनएसए सुलिवन साथ मिलकर कैसे आगे बढ़े, हम यहाँ छोटे काम नहीं बल्कि बड़े काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो इतिहास को बदल दे। इस तरह से अमेरिका की तरफ से अजीत डोवाल की तारीफ की गई। अजीत डोवाल के बारे में आपको थोड़ा बता दे कि यह पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजिस्ट है, मिलिट्री ऑपरेशंस एक्सपर्ट है। फिर चाहे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह एंटी टेरर ऑपरेशंस के भी प्लानर है। 2014 के बाद से देश में अगर कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है तो उसकी बहुत बड़ी वजह अजीत डोवाल का योगदान माना जाता है, खासकर कश्मीर को लेकर। कश्मीर में आतंकवादियों के नेटवर्क को तबाह करने में इनकी काफी बड़ी भूमिका रही है और आज से नहीं बल्कि तब से इनका करियर शुरू हुआ जब से। इसके अलावा दुनिया भर में जो ये पब्लिक रिलेशंस का कार्य करते हैं, ना सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बल्कि महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, उनके डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, वे अपने आप में बेजोड़ हैं। और पाकिस्तान पॉलिसी के एक्सपर्ट तो ये हमेशा से ही माने जाते हैं क्योंकि अंडर कवर ये 7 सालों तक पाकिस्तान के अंदर रह चुके हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा यह कहना कि सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खजाना है अजीत डोवाल, यह बात काफी मायने रखती है। काफी बड़े ऑपरेशंस के लिए भी अजीत डोवाल जाने जाते हैं। बता दें कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से उनकी कहानी शुरू हुई। उस दौरान बताया जाता है कि एक जासूस बनकर अंदर घुसे थे और उन्होंने सारी जानकारी जुटाने का काम किया था। ऐसा ही कुछ उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान भी किया था, जो स्वर्ण मंदिर में अंजाम दिया गया था, और उस दौरान यह दुश्मन देश के एजेंट बनकर मंदिर के अंदर जाने में कामयाब हुए थे और उन्होंने बड़ी जानकारी इकट्ठा की थी। इसके बाद 1999 में कंधार हाईजैक, इस पूरे ऑपरेशन में भी आतंकियों से बात करके रिहाई की डील को लेकर सारा काम अजीत डोवाल ने किया था। इसके बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक जो कि पाकिस्तान में अंजाम दी गई थी, उसके भी नायक अजीत डोवाल माने जाते हैं। आपको बता दें कि आज तक जितने भी फील्ड ऑफिसर हैं उनमें से यह सबसे बेस्ट फील्ड ऑफिसर माने जाते हैं। अजीत डोवाल हमेशा से अपनी टीम के साथ मिलकर एक्शनेबल और अच्छे इनपुट प्रोवाइड करवाते आए हैं और टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन करने में भी ये सबसे आगे हैं कि कैसे सामने वालों को अपने शब्दों को लेकर आना है, उसमें उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और इसलिए उनको एक तरीके से जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी उनकी बातों के अनुसार भी अपने काफी बड़े फैसले लेते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अजीत डोवाल प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण शख्स है। ऐसे में अब जब अमेरिका पहुंचे हैं अजीत डोवाल और अमेरिका पहुंचने के बाद जब वहां के एनएसए से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने जिस तरह से अजीत डोवाल की तारीफ की, यह सब सुनकर मानो चीन और पाकिस्तान को सदमा ही लग गया। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों जो तुर्की कभी भारत का दुश्मन बना हुआ था, पाकिस्तान को हर मौके पर जब भारत से लड़ने की बात आती थी तब वह सपोर्ट करता था, लेकिन अब बिल्कुल पलट गया है तुर्की। और हाल ही में जब पाकिस्तान के पीएम वहां के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे तब उनकी कैसी बेइज्जती हुई थी पाकिस्तानी पीएम की तुर्की राष्ट्रपति के द्वारा, वह तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन भारत के प्रस्ताव पर अब सहमत भी हो गया है और भारत को तब से अपना दोस्त मानने लगा है जब से भारत ने वहां पर आए भूकंप के समय अनकंडीशनल प्यार दिया था और इतनी मदद की थी जितनी और किसी मुस्लिम देश ने भी नहीं की थी। इसी को लेकर भारत के प्रस्ताव पर तुर्की सहमत हुआ है। और दूसरी खबर, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर क्या कहा, ये दोनों खबरें हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं।
दोस्तों आज भारत ने तुर्की के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डील फाइनल कर दी है और यह वही तुर्की है जो हर मामले में भारत के लिए विलन बनने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई करता है, पाकिस्तान की सेना को ट्रेनिंग देकर मजबूत करता है और कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन में बार बार पाकिस्तान का साथ देता है। अभी हाल ही में भारत के कश्मीर में जो G20 की बैठक कराई गई थी, इस बैठक का तुर्की ने बहिष्कार किया था और कहा था कि यह विवादित इलाका है, इसलिए हम इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अब तुर्की ने बड़ी ही खामोशी से भारत की एयरलाइन इंडिगो के साथ मिलकर एक डील फाइनल कर ली है। बता दें कि जो ये समझौता हुआ है वे भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो और तुर्की की टर्किश एयरलाइंस के बीच हुआ है। यह समझौता जल्द ही लागू हो जाएगा। बता दें कि अब भारत की इंडिगो अब सीधा अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ हवाई उड़ानें भरने जा रही है। अभी तक भारत से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल के साथ साथ टाइम भी लगता था। लेकिन अब उसी दूरी को भारत की इंडिगो बहुत कम करने वाली है, जिसमें तुर्की के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं तुर्की के साथ जब इसे लेकर बातचीत शुरू हुई थी, तब कहा जा रहा था कि शायद तुर्की इस डील को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि भारत और तुर्की के बीच काफी दोस्ताना संबंध नहीं माने जाते। अभी हाल ही में तुर्की ने जो G20 में शामिल ना होकर दिखा दिया था कि उसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, लेकिन तुर्की ने भारत के साथ यह डील फाइनल करके सभी देशों को हैरान कर दिया है। अब दूसरी खबर पर चलते हैं तो आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताकतवर देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई बड़ा देश कमजोर होता है तो उसकी कमजोरी का फायदा पूरी दुनिया उठाना चाहती है। भारत का कश्मीर आज भी एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत को कमजोर कर रहा है, लेकिन अब इस एरिया को सबसे मजबूत करने की शुरुआत हो चुकी है। जयशंकर ने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 ही वह खिड़की थी जिसे पूरी दुनिया भारत के अंदर झांक कर मजे लेती थी। जर्मनी का कश्मीर से क्या लेना देना था, लेकिन जर्मनी की विदेश मंत्री ने एक बार अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से वे कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएगी। वहीं विदेश मंत्री ने कहा था कि जब हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर दुनिया की खिड़की को बंद किया तो ऐसे में कई देशों को जबरदस्त मिर्ची लगी, लेकिन तब भी कश्मीर को लेकर भारत की मुश्किलें कम नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कश्मीर के अंदर इसलिए G20 बैठक करवाई थी ताकि दुनिया के देश आए और कश्मीर को नजदीक से देखने की कोशिश करें, लेकिन तुर्की और सऊदी जैसे देश देखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।